हेलो दोस्तों, अभी हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड दैट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर DSSP एग्जाम्स एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. देखो, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज इन विच वन ऑफ दीज इंटरवल. अब इनके अंदर हमें देखना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इन में से किस इंटरवल के अंदर लाई करता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें इस इक्वेशन को जो हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करना होगा. अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, लेट्स सी. देखो, क्वेश्चन है x बाय x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1. हमेशा ध्यान रखना, ऐसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम इस कंप्लीट पार्ट को लेफ्ट साइड लाते हैं. ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचें. आप आगे देखिए कि x बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0. अब इसका मैं क्या लेती हूँ, एलसीएम लेती हूँ, जो कि होगा देखो x प्लस 4 एंड एक्स प्लस 1. ठीक है, अब देखो यहाँ से ये चीज़ एलसीएम से ये तो कट जाएगी और जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको आता भी होगा. ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4. अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जो x बाहर प्रेजेंट है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 4 बाय एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 1. ठीक है, अब देखो यहाँ से ये प्लस एंड दिस कैंसिल आउट हेयर एंड वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1. ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 की पावर 2 दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही है, अगर मैं इन सबको इक्वल्स टू 0 रखूँ, अगर मैंने x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2, यहाँ से कितनी आई 2, यहाँ से कितनी आई माइनस 4, यहाँ से कितनी आई माइनस का 1. अब हमारा मेन टारगेट है कि हम इस रेंज को फाइंड आउट करें. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन पे इन नंबर्स को, इन टर्म्स को, इन नंबर्स को कंटेन करने वाले पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं. यहाँ पे 0 दैट्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ओके, यानी यहाँ पे हमें कहाँ तक चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस 4 है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 अप टू सो ऑन. यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, ये भी याद रखना है कि न्यूमरेटर पार्ट में जो एक्स की वैल्यूज़ आई हैं उसको हम लेस देन इक्वल्स टू की हेल्प से, जो ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं ऊपर वाली टर्म्स में, जो ये माइनस टू और माइनस टू और जो टू आई है ना, ये वाली भी हमारी इंटरवल के अंदर इंक्लूड होंगी, जबकि नीचे वाली जो टर्म और नीचे वाले जो नंबर है ना वो हमारे इंटरवल के अंदर नहीं आएंगे. तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप इससे कोई नंबर लाइन ड्रॉ करो किसी भी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट वाली टर्म्स में ऑलवेज आप सर्कल ड्रॉ करें. सर्कल का मतलब है कि देखो ये माइनस 4 इंक्लूड नहीं होगा, बस सर्कल का मतलब बस इतना ही है. अब देखो माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 पे भी हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब x इज इक्वल टू माइनस 2, इस पे हमें एक डॉट ड्रॉ करनी है जो कि कलर्ड डॉट है, देखिए. और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, जिस पे हमें कलर्ड डॉट करनी है. अब ये याद रखना कि भाई अगर इन जो फैक्टर्स की वैल्यू अगर तुम्हारी इवन है तो साइन वही रहेगा, और अगर ओड है तो साइन चेंज होगा. कैसे, देखो यहाँ पे जितनी भी टर्म आएंगी यहाँ पे सब पॉजिटिव होती जाएंगी, तो प्लस यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 2, और 2 हमें दिया किसने है, इस फैक्टर ने दिया है, तो यहाँ पे इस फैक्टर की पावर कितनी है 1, 1 मतलब ओड,
तो ओड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर से अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, माइनस वन। अब माइनस वन की पावर कितनी है, ओड है, फिर से साइन चेंज हो गया, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर से माइनस एंड फिर से प्लस। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल्स टू है, तो हमें डिक्रीजिंग टर्म लेनी है। डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव पार्ट लेना है। अब नेगेटिव पार्ट कौन सा है हमारा, एक तो ये नेगेटिव पार्ट है और एक ये नेगेटिव पार्ट है। अब ये नेगेटिव पार्ट है क्या, देखो मैंने कहा था कि सर्कल का मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, तो माइनस फोर पे हम क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट कोमा, माइनस टू पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना, क्योंकि माइनस टू के ऊपर तो हमने डॉट लगा रखी है, और डॉट का मतलब क्या है कि दिस नंबर विल बी इंक्लूडेड। यूनियन यहाँ पे है माइनस का वन, यहाँ पे माइनस वन पे भी देखो हमारे पास ये होलो सर्कल है, तो होलो सर्कल है तो इस पे हम लगाएंगे ओपन इंटरवल माइनस वन अप टू टू विद द क्लोज इंटरवल। अब देखिए ये है हमारा वो इंटरवल जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू लाई करेगी। अब हम मैच करते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो हमारे आंसर से मैच होता हो। माइनस फोर टू माइनस टू, देखिए हाँ ये रहा, देखो माइनस फोर से माइनस टू ओपन इंटरवल है और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे फाइंडेड आंसर की से मैच होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।